कुछ चीज़ में अगर आप पूरे दिल के साथ, मुझे लगता है अगर आप करते रहो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो आप बहुत इंप्रूव हो सकते। एज आपकी कितनी थी? 10-11 साल की। और आज कितने दिन हो गए खेलते हुए? एक लंबा वक्त हो गया। 15-16 साल हो गए। 16 साल पहले मेरा एक्चुअली ACL इंजरी हो गया था खेलते समय, और डॉक्टर ने बोला मैं एक साल तक खेल नहीं पाऊँगी। तो एथलीट्स का क्या होता है, रैंकिंग ड्रॉप हो जाता है, फिर कमबैक करना बहुत ही जैसे कि फियर होता है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। उसके बाद एक साल पहले जब मैंने फिर से शुरू किया था, मैं जिन खिलाड़ियों को पहले आसानी से जिससे मैं जीत रही थी उनके साथ मेरा बहुत ही मुश्किल मैच शुरू हो गया, तो लेवल ड्रॉप हो गया था। पर उस समय मेरे कोचेज, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हफ्ते पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मैं अपने एक PSA फाइनल टूर्नामेंट में खेल रही थी, और उस मैच में मैं फर्स्ट गेम में हार गई और सेकेंड गेम में मैं 6-1 डाउन थी। थ्री अपोनेंट को 3 गेम्स जीतने थे, तो मतलब ऑडियंस और सबको लगा कि मैच गया। मेरे कोचेज इंडिया में लाइव देख रहे थे, उनको भी लगा कि अब तो गया। पर वो 6-1 डाउन से मेरा माइंड, मतलब मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं वहाँ से मुझे एक रास्ता मिला और मैंने अपना टैक्टिक्स बिल्कुल चेंज कर दिया और मैं वो फाइनल जीत गई, और मेरा सबसे बड़ा इवेंट ऑस्ट्रेलिया में मैं पहली बार ज़िंदगी में जीती। तो हाँ, मतलब एक लड़की है बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, वर्ल्ड की 1 प्लेयर है, तो मतलब उनको देखकर बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। सारे मैचेस ऑनलाइन होते हैं, उसकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसका कोर्ट में माइंड बहुत ही अच्छे से चलता है। सो ये सब एट्रीब्यूट्स देख के मुझे लगता है मुझे बहुत सीखने को मिलता है। इंडिया में मेरा रैंक 4 था, तो एशिया में मतलब बहुत ही बुरा था। पर वो 6 महीने के अंदर जब मैं एशियन गेम्स गई, मैं 3rd ब्रॉन्ज फिनिश हुआ। तो वो मैच, जब मैच के बाद मैंने अपने कोच को फ़ोन किया और बोला कि मैं ब्रॉन्ज मेडल आ गया, मैंने इतना इम्प्रूव किया है, तो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग था कि अगर आपका टीम आपके साथ अच्छा है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका, मेरे साथ हैं स्क्वैश की खिलाड़ी तन्वी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एशियन गेम्स में जाने वाली है, 2nd एशियन गेम्स है, पहले से कुछ सीखा होगा, अब जाएंगी कुछ बदला हुआ होगा, कैसे देखती हैं चाइना? पहले एशियन गेम्स में 5 साल पहले गई थी, और उस समय मैं मतलब सीनियर्स में आ रही थी, तो मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। और हमारी टीम ने एक्चुअली उस टाइम सिल्वर मेडल जीता था, पर उस टाइम इतने मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। इस टाइम मैं, और जैसे कि मेरा ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है पिछले कई सालों से, तो होप्स हैं कि बहुत मेडल्स लाए। जी, उम्मीद मेडल की है। कंपटीशन टफ होगा जब चीन में जाएंगी, जो एशिया के बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, कंपटीटर कहाँ टफ आपको नज़र आ रहे हैं, कौन से? दोनों सारी टीम्स अच्छे हैं, पर ज़्यादातर मलेशिया और हांगकॉन्ग के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। जी, अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, भारत में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, स्क्वैश ही क्यों चुना? मेरे फादर एक्चुअली स्क्वैश खेलते थे, और मैं और मेरी बहन टेनिस खेलते थे, तो हमने टेनिस कई सालों तक खेला। फिर एक बार हम क्लब में मेरे फादर को देख रहे थे और उनका लेवल बहुत अच्छा था, तो ऐसे इनिशियली बस मज़े के लिए शुरू करा। और जब मैंने 6 महीने बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेला और उसमें एक्चुअली मैं जीत गई, दिल्ली का टूर्नामेंट था, मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट फील आया कि हाँ, इसमें मैं आगे जा सकती हूँ। और एक चीज़ होता है कि कई चीज़ों में एक बहुत लाइकिंग हो जाती है, जस्ट नेचुरल होता है, मेरे लिए स्क्वॉश वैसा ही था। मतलब मुझे हर रोज़ प्रैक्टिस करने में बहुत ही अच्छा लगता था, और इसलिए मैंने बचपन से लेकर बहुत पैशन के साथ कंटिन्यू किया है। कितने, पहली बार जब आपने खेला था, एज आपकी कितनी थी? 10-11 साल की। और आज कितने दिन हो गए खेलते हुए? एक लंबा वक्त हो गया। 15-16 साल हो गए। 16 साल हो गए। इस दौरान बहुत तन्वी उतार चढ़ाव भी आया होगा, बहुत ऊपर नीचे। कभी ऐसा लगा होगा कि अब नहीं हो पा रहा है, कभी लगा होगा बहुत मज़ा आ रहा और आगे जाना चाहिए, मतलब अप्स एंड डाउन, संघर्ष के दिन भी आए हुए होंगे, कुछ उन संघर्ष के दिनों को याद करना चाहेंगे? बहुत संघर्ष आए हुए हैं। 2 साल पहले मेरा एक्चुअली ACL इंजरी हो गया था खेलते समय, और डॉक्टर ने बोला मैं 1 साल तक खेल नहीं पाऊँगी। तो एथलीट्स का क्या होता है, रैंकिंग ड्रॉप हो जाता है, फिर कमबैक करना बहुत ही जैसे कि फियर होता है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। उसके बाद एक साल पहले जब मैंने फिर से शुरू किया था, मैं जिन खिलाड़ियों को पहले आसानी से जिससे मैं जीत रही थी उनके साथ मेरा बहुत ही मुश्किल मैच शुरू हो गया, तो लेवल ड्रॉप हो गया था। पर उस समय मेरे कोचेज, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उस वजह से मैं आज तक पहुँच गई हूँ, और आज मेरा जैसे इंडिया में रैंकिंग बहुत ही अच्छा है। तो मतलब कुछ चीज़ में अगर आप पूरे दिल के साथ, मुझे लगता है अगर आप करते रहो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो आप बहुत इंप्रूव हो सकते हो। जी, एक माता पिता का, एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बैकअप का, सपोर्ट करने का। शुरू से अब तक देखा जाए तो क्या कभी घर में ऐसा नहीं हुआ, बेटा बस करो,
नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। जब मैं बहुत मैचेस एक साथ में हारी भी, उनने कभी नहीं बोला, मुझे एक्चुअली इनकरेज किया। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे माँ बाप ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे बचपन से। जी, इसी में एक सवाल और जोड़ूंगा, आपकी जो 15-16 साल की जर्नी है, बहुत से टूर्नामेंट जीते होंगे। हाँ। कुछ यादगार टूर्नामेंट होंगे, कुछ ऐसी मेमोरेबल जीत होगी जिसे आज भी सोचती हूँ बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ ऐसी अपनी जीत, कुछ ऐसे अपने मैचेस शेयर करना चाहेंगे? 2 हफ्ते पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मैं अपने एक PSA फाइनल टूर्नामेंट में खेल रही थी, और उस मैच में मैं फर्स्ट गेम में हार गई और सेकेंड गेम में मैं 6-1 डाउन थी। अपोनेंट को 3 गेम्स जीतने थे, तो मतलब ऑडियंस और सबको लगा कि मैच गया। मेरे कोचेज इंडिया में लाइव देख रहे थे, उनको भी लगा कि अब तो गया, पर वो 6-1 डाउन से मेरा माइंड, मतलब मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं वहाँ से मुझे एक रास्ता मिला और मैंने अपना टैक्टिक्स बिल्कुल चेंज कर दिया और मैं वो फाइनल जीत गई। और मेरा सबसे बड़ा इवेंट ऑस्ट्रेलिया में मैं पहली बार ज़िंदगी में जीती, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है कि मैं हारते हारते मैंने मेरा होप अपने कभी मेरा होप नहीं मतलब टूटा। और हाँ जी, और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, माजी में जाएं, पास में थोड़ा सा पीछे जाएं, कुछ और टूर्नामेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स? हाँ, तो जब मैं जूनियर थी उस टाइम मैंने बहुत ही संघर्ष किया, मुझे अच्छे कोचेज इंडिया में बिल्कुल नहीं मिले, और 2 साल कॉलेज के पहले मैंने अपना कोच बदल दिया, और 6 महीने के अंदर मतलब मेरा गेम इतना इम्प्रूव हो गया कि मैं इंडिया में मेरा रैंक 4 था, तो एशिया में मतलब बहुत ही बुरा था, पर वो 6 महीने के अंदर जब मैं एशियन गेम्स गई, मैं थर्ड ब्रॉन्ज फिनिश हुआ। तो वो मैच, जब मैच के बाद मैंने अपने कोच को फ़ोन किया और बोला कि मैं ब्रॉन्ज मेडल आ गया, मैंने इतना इम्प्रूव किया है, तो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग था कि अगर आपका टीम आपके साथ अच्छा है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। तन्वी, इस खेल से, अपने कैरियर से कितना संतुष्ट हुआ, कितना सेटिस्फाइड? बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, पर कभी इतना सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि फिर वो हंगर ख़त्म हो जाता है। इम्प्रूवमेंट के लिए वो रेस्टलेस फीलिंग होनी चाहिए कि मैं और इम्प्रूव हो सकती हूँ, तो वो मिक्स बैलेंस होना चाहिए। फ्यूचर के लिए टारगेट क्या है? वैसे तो मेरा इस साल का टारगेट था कि मैं टॉप 50 में आ जाऊँ इंडिया में, पर फ्यूचर में टॉप 30, टॉप 20 और फिर उससे आगे देखते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको पसंद हो, अंतिम सवाल है की तरफ जा रहा हूँ, जिन्हें मतलब फॉलो करती हैं, थोड़ा सा बताना चाहिए? हाँ, मतलब एक लड़की है, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, वर्ल्ड की 1 प्लेयर है, तो मतलब उनको देखकर बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। सारे मैचेस ऑनलाइन होते हैं, उसकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसका कोर्ट में माइंड बहुत ही अच्छे से चलता है, सो ये सब एट्रीब्यूट्स देख के मुझे लगता है मुझे बहुत सीखने को मिलता है। जी, जो खेलों में आना चाहते हैं, जो लड़कियाँ जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज ये होगा कि अपने आप को जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो ढूंढो, प्लेयर्स से बात करो, वीडियोस देखो, और मतलब हमारा माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, तो अगर अपना माइंड आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो तो आप 100% मुझे लगता है कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझसे बातचीत की। थैंक यू थैंक यू सो मच।